यस हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि मज़े में होंगे। दोस्तों, कैलकुलेटर को हम यूज़ करना सीख रहे थे, हम उसी के बारे में आज भी बात करेंगे, है ना। सिस्टम का कोई अरेंजमेंट नहीं है तो ट्यूटोरियल इसलिए आप लोगों के इस तरह बेतरतीब आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, खैर कोई नहीं। अब देखिए, कैलकुलेटर में हमने सीखा था प्लस के क्वेश्चन और हमने बताया था स्टैंडर्ड मोड। हम जो काम कर रहे थे वो किस में कर रहे थे? स्टैंडर्ड मोड में कर रहे थे। स्टैंडर्ड मोड, तो पहले आपको मैं कुछ और आज बताती हूँ। कुछ माइनस के क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड के देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड मोड के अगर ज़्यादा अब हमने क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब हम उसे सारी रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, कैलकुलेटर को दो खोलने के तरीके होते हैं। रन डायलॉग से खोलेंगे विंडो आर और फिर वहाँ पे लिखेंगे विंडो आर करके कैलकुलेटर, या CALC लिख दें, ये से खुल जाएगा, या विंडो की प्रेस करके CALC करके एंटर करेंगे, वहाँ शोर लगे मतलब होने लगेगा, वहाँ एंटर कर देंगे कैलकुलेटर पे। या फिर एक और ऑप्शन ये है, ऑल एफ्स पे जाके भी आप ऑल एफ्स पे एंटर करके विंडो की प्रेस करने के बाद ऑल एफ्स आएगा, एंटर करेंगे, फिर डाउन एरो से आप कैलकुलेटर पे वैसे खोल सकते हैं। तो ये तीन तरीके कैलकुलेटर को। अब कैलकुलेटर जैसे ही खुलता है तो डिस्प्ले 0.0, डिस्प्ले वैल्यू, डिस्प्ले 0, सॉरी पॉइंट नहीं, डिस्प्ले 0, डिस्प्ले 0 शो होगा जैसे ही स्टैंडर्ड, ठीक है। तो डिस्प्ले 0 यानी स्टैंडर्ड मोड में आपका कैलकुलेटर खुल गया है। अब वहाँ पे कुछ माइनस के क्वेश्चन करके देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 999 माइनस 102, एंटर, ये कर लिया। फिर इसके बाद ऐसे ही आप कुछ भी माइनस करेंगे, फिर आप एंटर करेंगे, वहाँ सुनाई देगा, एक जो भी रीसेंट होगा जो आपने क्वेश्चन किया है इंसर्ट अप एरो से उसका आंसर सुन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 10 से 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और 20 या 1 से 2 भी कर लिए हैं, आप उनको सबको देखना चाहें, यहाँ आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, ये आपको स्टैंडर्ड मोड में आप लिखें और आप एंटर करें, आपको वहाँ पे डिस्प्ले जो रिजल्ट है वो सुनने को मिलेगा। लेकिन दोबारा सुनेंगे तो इंसर्ट अप एरो करेंगे, लेकिन ये उसी के लिए होगा जो आपने किया है क्वेश्चन। अब 1 से ज़्यादा कर लिए हैं सॉलिड, मतलब जो भी कैलकुलेशंस हैं, 1 से ज़्यादा एक कैलकुलेशंस कर ली हैं तो आप कैसे करोगे? तो आप टैप करके जाओगे हिस्ट्री मोड में। कहाँ जाओगे? हिस्ट्री मोड में। हिस्ट्री मोड में वहाँ इंसर्ट अप एरो करते रहो, या अप एरो भी कर सकते हो। आपने जितने किए हैं, जितने क्वेश्चन किए हैं सबके, आप ये जितनी कैलकुलेशंस की हैं सबके वैल्यूज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सारे वैल्यूज़ को आप वहाँ देख सकते, वो हिस्ट्री मोड में। तो याद रखना, कैलकुलेटर का जो स्टैंडर्ड मोड होता है उसमें हम काम करेंगे, और हिस्ट्री मोड में जितनी भी हमने, जितनी भी वैल्यूज़ इनपुट करे हैं, जितने भी कैलकुलेशंस किए हैं, वो सब टैब से हिस्ट्री मोड में एंटर करके, या आप वहाँ पे अप एरो या इंसर्ट अप एरो करते रहो, आप सारे चीज़ें, या अप एरो करते रहोगे, जितनी कैलकुलेशंस की उनको सुनते रहोगे। जैसे कि अभी हमने किया था 599 माइनस 111, फिर और आप एरो करेंगे तो वहाँ पे जैसे कि हमने प्लस के क्वेश्चन किए तो वो देखेंगे, तो ये सब हिस्ट्री मोड में आएगा। लेकिन सेव के लिए हमेशा कंट्रोल एस करते रहेंगे। पहली बार फाइल सेव कर लें तो ऐसे करते हैं, मैंने बताया, और अगली बार जब जब करेंगे कंट्रोल एस करते रहेंगे। तो अभी आपको समझ में आया होगा स्टैंडर्ड मोड का जो वैल्यू है वो क्या है, कि स्टैंडर्ड मोड में हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं और हिस्ट्री मोड में हम सारे वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।